जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव स्थित था जिसका नाम था धर्मपुर। गांव के लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका पूजा पाठ में अटूट विश्वास था। गांव में उन्होंने कई मंदिर बनवा रखे थे। पास ही के जंगल में भी उन्होंने एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। शीघ्र ही जंगल में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। गांव के कारीगर उस कार्य में लगवाए गए जो दिन भर काम में जुटे रहते। निर्माण कार्य सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता। सुबह से शाम तक कारीगर वहां काम करते। बस दोपहर को भोजन करने गांव आ जाया करते थे। उस समय में मंदिर में कोई नहीं रहता था। रोज की ही तरह एक दोपहर को सभी कारीगर भोजन करने अपने गांव आए हुए थे। तभी दूसरे जंगल से आया बंदरों का एक समूह उस जंगल में पहुंच गया। इधर उधर भटकते हुए दल के बंदर निर्माण अधीन मंदिर के पास आ धमके और उछल कूद मचाने लगे। कारीगरों के भोजन के लिए गए होने के कारण उन्हें रोकने टोकने वाला भी वहां कोई नहीं था। मंदिर में उस समय लकड़ी का काम चल रहा था। चीरी हुई शहतूत और अन्य पेड़ों की लकड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थीं। कई शरारती बंदर लकड़ियों पर उछल कूद मचाने लग गए। तब उनके सरदार ने उन्हें वहां जाने से मना किया, किंतु एक बंदर बहुत शरारती और हठी था। उसने सरदार की बात नहीं मानी। सभी बंदर वहां पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन वह शरारती बंदर शहतूत की लकड़ियों पर धमाचौकड़ी मचाने लगा। वहां शहतूत के कई अधचिरे लट्ठे पड़े हुए थे। उन अधचिरे लट्ठों के बीच कीलें भी फंसी हुई थी। कारीगर भोजन के लिए जाने से पहले लट्ठों के बीच कील फंसाकर जाते थे ताकि वापस आने के बाद उनमें आरी घुसाने में उन्हें सुविधा हो। शरारती बंदर कौतूहलवश एक अधचिरे शहतूत के बीच फंसे कील को देखने लगा। वह खुराफाती दिमाग का था। सोचने लगा कि यदि इस कील को यहां से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसने तनिक भी देर नहीं लगाई और उस आधे चिरे हुए शहतूत के ऊपर बैठकर कील पर अपनी जोर आजमाइश करने लगा। बंदरों के सरदार ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे वहां रोका और चेतावनी देकर अपने पास बुलाने का प्रयास भी किया, किंतु हटे बंदर नहीं माना। वह दम लगाकर कील को खींचने लगा। कील तो नहीं निकली, पर वह बंदर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह उस कील को और जोर से खींचने लगा। इस जोर आजमाइश में उसकी पूंछ पाटों के बीच में आ गई, किंतु कील खींचने में लगे बंदर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में लगा रहा। कुछ देर तक कील को खींचने पर वह थोड़ी हिलने लगी। यह देखकर बंदर खुश हो गया और दुगने उत्साह से कील को निकालने में लग गया। अंत में उसका प्रयास सफल रहा और जोर से झटके के साथ कील बाहर आ गई। किंतु जैसे ही कील बाहर निकली, अधचिरे पाट आपस में मिल गए और बंदर की पूंछ उसमें दब गई। बंदर दर्द से चीख उठा। करहाते हुए उसने वहां से निकलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। वह जितना दम लगाकर वहां से निकलने का प्रयास करता, उसकी पूंछ उतनी ही जख्मी हो जाती और उसे उतना ही तेज दर्द होने लगता। बहुत देर तक वह वहां फंसा हुआ तड़पता रहा। अन्य बंदर भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। उन्हें उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ा। वहीं फंसे फंसे अत्यधिक रक्त बह जाने से उस बंदर की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली? जिस काम की हमें जानकारी नहीं है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करना मूर्खता है और ऐसा करना मुसीबत को बुलावा देने के बराबर है।